डू यू नो दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल काम है अपने लिए इतना अच्छा एक्चुअली ढूंढना, वो भी टू फिंगर, जिससे मूवमेंट गॉड लेवल वाली हो जाए। लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला मुश्किल काम क्या है भाई, वो तो एंड पे पता चलेगा, उस वीडियो अंत तक देखना। तो भाई आज मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें एचयूडी के बारे में। पता उसके बारे में सबको है, लेकिन गलती ऐसी कर जाते हैं एचयूडी में कि गेम प्ले 2017 वाले एडम के जैसा हो जाता है। दो फिंगर वाला एचयूडी दूंगा, तुम्हें एक ही दूंगा आज तो, क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। दो तीन एचयूडी फटा दूंगा फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा अप्लाई करूं। सिर्फ एक एचयूडी दूंगा टू फिंगर वाला, और उसी इतना गॉड लेवल गेम प्ले होगा कि तुम बस एंड तक देखो। तो चलो बकवास नहीं, वीडियो पे चलो सीधा। तो गाइस देखो, तीन फिंगर वालों के पास और चार फिंगर वालों के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। मतलब फिंगर तो हमारे पास 10 है सबके पास, लेकिन जो थ्री फिंगर और फोर फिंगर से खेलते हैं उनके पास भाई एडवांटेज बहुत होता है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि उनकी तीन चार उंगलियां भाई एक वक्त पे काम कर रही है और हमारी दो, तो थोड़ी सी डिसएडवांटेज हमें इस काम में मिल जाती है। लेकिन भाई दूर वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं इनकी पोजीशन ही मैंने ऐसी की है कि भाई तुम दो उंगलियां एक फिंगर काम करेगी तब तक दूसरी खाली हो जाएगी, तो मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो ही जाएगी ना यार। भाई एक बात तो मेरी पहली सुन लो कि ये एचयूडी है, ये कोई जादू नहीं है, और मैं हैक वैक नहीं लगाने वाला कि तुम्हारा भाई गेम प्ले ऐसी बूस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग राउंड में 3-4 घंटे तुम्हें फूकने पड़ेंगे अपने, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि यार देखो, न्यू एचयूडी करोगे तो भाई उंगलियों को थोड़ा सी दिक्कत तो आएगी ना, उसको बस उंगलियों को समझाने के लिए, मसल मेमोरी बनाने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग में 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद देखना तुम क्या इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ही आएगी ना। तो चलो यार सीधा कंट्रोल सेटिंग्स पे जाओ, बकवास ज़्यादा नहीं करते अब। सो गाइज हम आ चुके हैं कंट्रोल सेटिंग्स पर, और तुम में से कुछ महान लोग होंगे, चतुर लोग, जो वीडियो को स्किप करके यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि पीछे जो मैंने सीक्रेट पॉइंट्स बताए हैं ना भाई, बस उन्होंने सब मिस कर दिया। तो अब पीछे तो मत जाना भाई, पीछे अब बताना भी मत उनको। तो चलो सीधा। सो गाइज ये रहा तुम्हारा टू फिंगर एचयूडी, बिल्कुल ही सिंपल एचयूडी है ये, तुम देख सकते हो पूरा, ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बस जो मेन बटन्स होते हैं ना मूवमेंट वाले, उनके साथ थोड़ी एडजस्टमेंट की गई है कि तुम्हारी फिंगर उस पर अच्छे तरीके से बैठ पाए और मूवमेंट नेक्स्ट लेवल हो। तो ये तुम देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे जो हमारा स्प्रिंट वाला बटन है उसको हमने सेम पॉइंट पे रखा है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और हाँ, सेटिंग्स में जाके ना क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन कर लेना और वो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद ब्लू वॉल तो देखो तुम्हारी वहीं पे है, बस थोड़ी सी बड़ी कर लेना उसको, और ऊपर जो तुम्हारा लेफ्ट फायर बटन होता है उसको रख देना। तो ये मेन चार बटन है जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करना है, और इधर जंप वाला बटन भी है बिल्कुल वहीं पोजीशन पे। क्राउच को थोड़ा सा ऊपर करके बड़ा कर लेना, इस पे तुम्हारा थंब आएगा और ये हमारा लेटने वाला बटन है। बाकी ये चार बटन हमारे मेन है भाई, इनके साथ सारा खेल है। तो चलो ट्रेनिंग राउंड में जाते हैं और इस पे पूरी प्रैक्टिस करो भाई, गेम प्ले देखना अब तुम बस। देखो ड्रैग वन टैप तो तुम्हें लगाना आता ही होगा भाई, अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि वो तो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, उसी तो मूवमेंट में पता चलता है। और बाकी ये जो हमारे हेडशॉट होते हैं इनका भाई मेन इंपैक्ट हमारी ग्लू वॉल के साथ होता है। तो जब तुम्हारी फास्ट ग्लू वॉल लगेगी तो भाई एनिमी को भी थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई बंदे की मूवमेंट बहुत है। और बाकी ड्रैग करके नीचे तुरंत ग्लू वॉल लगा देना, थोड़ा सा टाइम तो देखो लगेगा क्योंकि न्यू एचयूडी है, हाथ बैठेगा इस पे। और बाकी प्रैक्टिस इज द की तुम्हें पता ही है भाई, और बस स्टे ट्यून्ड रहना। और देखो मेन एचयूडी तो यही है तुम्हारा, तुम बस कमेंट में जाओ और बताओ। और हाँ, पहले जो मैंने कहा था कि दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल काम है एचयूडी ढूंढना, लेकिन पहला क्या था, तो भाई पहला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं कर पाओगे भाई, कर दिया तो मान जाऊंगा, जाके करके दिखा दे तू। बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस, विंजो की वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। और बताओ बस तुम अगली वीडियो किस पर चाहिए कंटेंट, कमेंट्स में बताओ। तो भाई गुड बाय बस।